कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में प्रवेश कर गई है। भारत जोड़ो यात्रा ने आज नूह के मुंडका बॉर्डर में प्रवेश किया। इस मौके पर हरियाणा कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कार्यकर्ता सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर राहुल गांधी को गुस्सा आ गया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ता का हाथ पकड़ा और जोर से झटक दिया। कार्यकर्ता अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन राहुल गांधी ने उसका हाथ जोर से पकड़े रखा। राहुल किस बात से नाराज हुए, इस बात का पता नहीं चल पाया है। मिस्टर सिन्हा नाम के एक यूजर ने ट्विटर पर यह वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। एक यूजर ने राहुल गांधी के इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा है कि अब चमचों को समझ लेना चाहिए कौन नफरत करता है आम पब्लिक से, लेकिन चमचों को गुलामी की आदत जो हो गई है। वहीं प्रवीण श्रीवास्तव नाम के यूजर ने लिखा है कि ये नफरत के बाजार में मोहब्बत बांटने का नया तरीका। बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के हरियाणा में प्रवेश करने पर मुंडका बॉर्डर पर एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझसे बीजेपी के नेता पूछते हैं कि इस यात्रा की क्या जरूरत पड़ गई। मैंने उनको जवाब दिया है कि हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ये लड़ाई नई नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। जब भी ये लोग इस देश में नफरत फैलाने निकलते हैं तो हमारे विचारधारा के लोग मोहब्बत और प्यार फैलाना शुरू करते हैं। राहुल गांधी ने हरियाणा में यात्रा के पहले दिन अपना भाषण दो बड़े मुद्दों पर फोकस किया था। पहला बेरोजगारी, दूसरा महंगाई। राहुल गांधी ने कहा कि कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती है, क्योंकि ये यात्रा कांग्रेस की नहीं है बल्कि देश के बेरोजगार युवाओं की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों और किसानों की है। उन्होंने कहा कि आज हजारों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। बहरहाल राहुल के गुस्से का वीडियो देख कांग्रेस कार्यकर्ता भी खासे हैरान हैं, और गुस्से की वजह भी उनकी समझ से परे है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।